हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से केक। ये जो केक है वो हमने कुकर में बनाया है। इस केक में हमने कोई भी बेकिंग टूल्स यूज़ नहीं किया है, ना तो मोल्ड यूज़ किया है, ना ओवन यूज़ किया है, ना एग यूज़ किया है, ना मैदा यूज़ किया है। जो भी सिंपल घर में इंग्रेडिएंट होते हैं उसके साथ ये केक बहुत ही सुपर डिलीशियस बनके रेडी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो फ्रेश क्रीम रहती है, घर पर जो क्रीम होती है जो दूध के ऊपर जम जाती है, वो क्रीम ली है 2 चम्मच। तो ये फ्रेश क्रीम है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो आधा टीन यूज़ करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर 1.5 कप आटे से केक बना रही हूँ। अगर आप 2 कप या 250 ग्राम से बना रहे हैं तो 1 टिन पूरा डाल दें, और अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप पाउडर शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही। फ्रेश दही मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने से क्या होगा, आपका जो केक है वो मॉइस्ट बनेगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो स्किप कर दें। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर वनीला एसेंस भी नहीं है आपके पास तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है, कम से कम 2 से 3 ड्रॉप। और अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जब तक कि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से आपको मिक्स करना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसी टाइम पर आप बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे। ध्यान रखना है कि छान कर ही डालना है। तो एक छलनी लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप गेहूं का आटा। ये लगभग 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 180 ग्राम। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। तो जिस कटोरी से आपने गेहूं का आटा मेज़र किया है उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1/3 कप, मतलब आधे से थोड़ा सा कम पाउडर शुगर डाला है क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क भी यूज़ किया है। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये घर पर इस तरह की स्पून होगी, उससे 1 टीस्पून डाला है, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। सारी चीज़ों को सीव करने के बाद, छानने के बाद, अब हम हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको सारी चीज़ें हल्के हाथों से ही मिक्स करनी है। बहुत तेज़ी से अगर आप मिलाएंगे तो एयर नहीं बनेगी और जो केक होता है वो फूलने के बाद वापस बैठ जाता है। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे मिल्क। यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है जो टी कप होता है, उससे 1 कप लिया है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। और हल्के हाथों से इसी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा लगे या हो सकता है कि थोड़ा सा कम लगे, बट अगर आप इस मेज़र से बनाएंगे तो आपको परफेक्ट टी कप से 1 कप मिल्क लगेगा। इसके बाद अब हम एक केक टिन लेंगे और उसे ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने केक टिन का यूज़ नहीं किया है। सिंपल घर में कोई भी इस तरह का बर्तन हो जो जिसका बॉटम इस तरह से प्लेन हो, उस तरह का आप केक टिन ले सकते हैं। अब सारे केक बैटर को हम केक टिन में पोर कर देंगे इस तरह से, और 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर दें। और अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर का यूज़ किया है। मैंने नीचे कुछ भी नहीं रखा है, एक स्टैंड है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कुछ कटोरी रख सकते हैं या स्टील का बाउल रख सकते हैं। कुकर को 5 मिनट पहले आप प्री हीट कर लें, उसके बाद ही उसमें केक टिन रखें। तो अब हम केक को कम से कम 45 मिनट तक बेक करेंगे। केक को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही बेक करना है। लो मीडियम फ्लेम पर आपको कम से कम 45 मिनट इसे बेक करने में लगेगा। हो सकता है कि आपको 50 मिनट भी लगे। मेरा ये केक 50 मिनट में बनकर रेडी हुआ है। 50 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लें इस तरह नाइफ डालकर केक के सेंटर में। अगर आपका नाइफ क्लीन आता है इसका मतलब केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अगर इन केस अगर आपका केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा चिपका हुआ नाइफ बाहर निकलेगा, तो आप 5 से 10 मिनट केक को और बेक करें।
और अगेन एक बार नाइफ डालकर आप चेक करेंगे तो आपका केक अच्छे से बेक हो जाएगा। तो अब हम केक को निकाल लेते हैं। ध्यान रखना है कि केक को बेक होने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट दें ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही केक मोल्ड से उसे रिमूव करें। तो रिमूव करने के पहले आप नाइफ को उसके सारे एजेस में इस तरह से निकाल लें और इसके बाद एक प्लेट रखेंगे इसके ऊपर और केक मोल्ड को इस तरह से टर्न कर लीजिए तो आपका केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये केक बहुत ही इजीली निकल गया है, बहुत सॉफ्ट है और मॉइस्ट है। जनरली हम घर पर जब भी केक बनाते हैं तो केक का जो बॉटम है वो डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाता है। जब भी हम आइसिंग करते हैं या केक डेकोर करते हैं तो हमें उसे काटना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैवी बॉटम का केक टिन यूज़ किया था। जो बर्तन था वो हैवी बॉटम का था, इसलिए यहाँ पर डार्क गोल्डन लेयर नहीं बनी है तो मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इस केक को हम डेकोर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखें कि इस केक को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। आप घर पर बिना किसी इंग्रेडिएंट के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सुपर डिलीशियस, सॉफ्ट है, टेस्टी है, हेल्दी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।